Hi guys, myself RK Maurya, welcome to my YouTube channel Educate India Online. Guys, आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में. बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आपका इंडिया में भी है और अदर कंट्री में है. तो आज हम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आइए चलते हैं उस पेज पे हम लोग. ये देखिए, मैंने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं मैंने उनको एक जगह कलेक्ट किया हुआ है ताकि अच्छे से पढ़ सकें. तो जो फर्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग UNOV बोलते हैं. इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी. इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है और जो फिलहाल में जो हेड हैं इसके एंटोनियो गुटेरेस जी हैं, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं. और इसमें 193 देश अभी हैं, यूनिक जो सदस्य हैं, टोटल 193 देश हैं. जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम गिराया तो भारी नुकसान उठाना पड़ा जापान को. अतः विश्व शांति हेतु यूनियन की स्थापना की गई, जहां दो देश आपस में लड़ने के बजाय आपस में युद्ध के बजाय अपने मसले यूनियन में रखें और यूनियन का फैसला अंतिम फैसला होता है. यानी कि आपस में लड़ने के ना बजाय जो भी उनको केस है वो एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वहां पे वो जाएं, अपनी बात को रखें और जो फैसला आएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का वो फैसला उनको मानना पड़ेगा. नंबर टू, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष. इसकी स्थापना 24 दिसंबर 1945 में हुई थी. इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इनके जो हेड है वो क्रिस्टी लिगार्डे जी हैं. देखिए, जो भी पैसे से रिलेटेड संस्था है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये पैसा है ना, तो पैसे से रिलेटेड ये संस्था है, तो जितने भी पैसे से रिलेटेड संस्था है ज़्यादा क्या 90-95% उसके हेडक्वार्टर्स अमेरिका में ही है, क्योंकि अमेरिका पहले से बहुत चलाक रहा है. तो इसको क्या अपने यहाँ रखना चाहिए, कौन संस्था लेना चाहिए, कौन नहीं लेना चाहिए, वो सारे के सारे पैसे फिर जो भी रिलेटेड अपने पास रखा है वो. तो कभी कभी अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है, अगर इससे कुछ रिलेटेड आता है, अगर पूछता है कि कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, तो आप वाशिंगटन DC या फिर अमेरिका में जो भी सारा है उस पर टिक लगा सकते हैं. वर्ल्ड बैंक, देखिए ये भी आपका पैसे से ही रिलेटेड है. इसकी स्थापना जुलाई 1945 में हुआ था. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में है और इनके जो हेड हैं वो पेनी गोल्डबर्ग जी हैं. और फिलहाल में जो 189 कंट्री इसके सदस्य हैं. एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB के नाम से भी जानते हैं. स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुआ था. हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है. इनके जो हेड हैं वो ताकेहिको नाकाओ जी हैं. मेंबर 67 देश हैं इसके सदस्य. और इसका जो उद्देश्य सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, किसके, एशिया का. एशिया में ऐसा कोई भी कंट्री जिनका सोशल और इकोनॉमिक लेवल बहुत नीचे है, तो उनको कुछ कम ब्याज पे जो है पैसे देके उनके सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाना है, इसका काम है. विश्व स्वास्थ्य संगठन बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था. हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है. हेड इसके टेड्रोस अदानोन जी हैं और 194 देश इसके सदस्य हैं. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, स्थापना 29 अक्टूबर 1919 में हुआ है. हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. इनके हेड जो है गाय राइडर जी हैं और 185 देश सदस्य हैं इसके, किसके, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के. विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1 जैन 1995
हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। हेड रॉबर्टो एजेवेडो जी हैं, और 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुआ था। हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी है। इनके जो हेड हैं ऑड्रे अजोली जी हैं, और 193 देश सदस्य हैं यूनेस्को के। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ 11 दिसंबर 1946 में स्थापना हुआ था। इसका हेड क्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है, और हेड जो इनके अभी हैं वो हेनरिटा एच फेरेजी हैं, और 190 देश सदस्य हैं। 10th नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसको हम नाटो के भी नाम से जानते हैं। फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। हेड क्वार्टर्स ब्रुसेल्स में है। हेड जेंस स्टोल्टेनबर्ग जी हैं, और 29 देश सदस्य हैं। और इसका जो उद्देश्य है पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में बांधना तथा यूरोपीय राष्ट्रों को सुरक्षित रखना है। जब भी यूरोप पे आक्रमण की स्थिति हो तो अवरोध की भूमिका निभाना, मतलब यूरोप में किसी भी देश पे कोई बाहरी देश अगर आक्रमण करता है तो इस संस्था का काम है कि मिल के जो बाहर से आक्रमण करता है उसको रोके या उससे युद्ध करे। यूरोपियन यूनियन ईयू, यूरोपियन संघ, फॉर्मेशन 1 जैन 1958, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। हेड डोनाल्ड टस्क जी हैं, और 28 देश सदस्य हैं इसके। इसका क्या उद्देश्य है? यूरोपीय आर्थिक राजनीति हितों के लिए काम करना। ईयू को 2012 में शांति प्रयास के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक बहुत फेमस है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक। 1960 सितंबर में इसका स्थापना हुआ था, बगदाद में हुआ था स्थापना इसकी, और हेड क्वार्टर्स इसका वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और इनके जो हेड हैं वो मोहम्मद बारकिंडो जी हैं, और 14 देश इसके सदस्य हैं। और 14 देश वो देश हैं जहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, जहाँ पे तेल पाए जाते हैं। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क बोलते हैं इसको छोटे रूप में, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, दक्षेस हिंदी में बोलते हैं शॉर्ट में। फॉर्मेशन 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, और इसका हेड क्वार्टर काठमांडू में है। और जो हेड है अभी उसके अमजद हुसैन बी सियाल जी हैं। यह एक आर्थिक व राजनीतिक संगठन है। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन ढाके में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और इसके जो 8 देश सदस्य हैं, अफगानिस्तान जो 8वां देश है जो इसका सदस्य बना था, किसका? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उत्तर अमेरिका मुफ्त व्यापार समझौता, यानी कि एक नाफ्ता। और इसकी स्थापना 1994 में हुआ था, और जो इसके सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको हैं, तीन है। यह 3 देशों के बीच व्यापार समझौता है जिसमें वस्तु के व्यापार पर टैक्स समाप्त किया गया है। मतलब इन तीनों देश आपस में कोई भी किसी भी ढंग का व्यापार कर सकते हैं, उन पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यह सिर्फ इन तीनों देश के बीच कंप्रोमाइज के थ्रू हुआ है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का जो हेड ऑफिस है वो रोम में है। विश्व डाक संघ का जो हेड ऑफिस है वो बर्न में है, जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है। विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व मौसम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये सबके ऑफिस कहाँ पे है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जो हेड ऑफिस है वो वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इस
का हेड ऑफिस वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है जो कि फ्रांस में है, और अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। आइए G8 के बारे में पढ़ते हैं। G8 ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज 1975 में 6 सबसे धनी देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, यूएसए ने मिलकर G8 की स्थापना फ्रांस में की थी। बाद में 1976 में कनाडा तथा 1997 में रूस इसका अंग बना था, और 2018 मतलब हाल ही में G8 का 44वां जो सम्मेलन हुआ था वो कनाडा में हुआ था। ब्रिक्स बढ़ती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संगठन, ब्रिक्स क्या है? बढ़ती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संगठन है ब्रिक्स। आइए देखते हैं, बी से ब्राजील है, आर से रूस है, आई से इंडिया है, भारत है, सी से चाइना है, और एस से जो कि सबसे लास्ट में जुड़ा था दक्षिण अफ्रीका है। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान के नाम से जानते हैं, मुख्यालय इसका जकार्ता में है जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। इसके जो सदस्य हैं वो 10 देश हैं। 1996 में भारत को एशिया का पूर्ण संवाद सहभागी बनाया गया, लेकिन भारत एशियान का सदस्य नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM शॉर्ट में बोलते हैं, नॉन एलिंग मूवमेंट, उद्देश्य इसका उद्देश्य क्या है? इस पुरानी विश्व व्यवस्था के स्थान पर स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, यानी कि जो पहले से रीति रिवाज चलते आ रहे हैं कि बहुत सारे चीज़ें जो अभी भी समाज में वो चलते हैं, जबकि लीगल रूप से प्लस लोगों के हित को देखा जाता है उसके लिए अच्छा नहीं है, तो उसको समाप्त करने के लिए ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी। विश्व शांति को सुरक्षित रखना, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, सदस्य संख्या 120 है, भारत भी इसका सदस्य है, यानी कि टोटल इसके जो देशों की जो संख्या है 120 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें भारत भी आता है। आइए हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आइए देखते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल में। संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना हेतु यूएनए के निर्माण के लिए अगस्त 1944 में वाशिंगटन के आक्स भवन में आयोजित किया गया था, जो 2 मंथ चला। तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ ही 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति फैकलिन डी रूजवेल्ट ने रखा है। यूएनए के कुल 193 देश सदस्य हैं। 193वां देश जो इसका सदस्य बना वो साउथ सूडान है। भारत इसका सदस्य 1945 में बना। 50 देशों के हस्ताक्षर में भारत भी शामिल था। यूएनओ की कार्य करने की भाषा मुख्य रूप से दो है, एक अंग्रेजी है, एक फ्रेंच है, तथा चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश को भी मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ अंग 6 अंग है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके ये इसके 6 अंग है। ये 6 अंग मिलके संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण करते हैं। सबसे पहले महासभा है, जैसे अपने देश में संसद का जो लोकसभा है, यहाँ पे महासभा है। महासभा ही एक्चुअली जो भी मेन डिसीजन होते हैं वो महासभा ही लेती है। आइए देखते हैं, महासभा को हम लोग विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। यूएनओ का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनने वाला, यानी कि कौन चुनता है? महासभा ही यूएनओ का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनता है। भारत की एकमात्र अध्यक्ष रही है कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। नए देशों के सदस्य देना, महासचिव की नियुक्ति, बजट पास करना, ये सब काम किसके हैं? महासभा का। यानी कि और किसी ने एक देश को संयुक्त राष्ट्र संघ में जोड़ना है नहीं जोड़ना है, ये सब डिसीजन महासभा ही लेता है। इसको महासभा को जनरल असेंबली के भी नाम से जानते हैं। सुरक्षा परिषद, इसका जो दूसरा घटक है वो सुरक्षा परिषद है। इसका काम क्या है?
इसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। महासभा 2 वर्ष हेतु 10 अस्थायी देशों की नियुक्ति करता है, यानी कि महासभा जो है 2 वर्ष हेतु 10 अस्थायी देशों की नियुक्ति करता है। और अस्थायी सदस्य आइए देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य कौन कौन है। यूएसए है, चाइना है, रशिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। और जो मेन काम है सुरक्षा परिषद का, वो सुरक्षा परिषद ही महासभा से महासचिव की नियुक्ति हेतु सिफारिश करता है, और इसका मेन काम विश्व शांति बनाए रखना है। यानी कि जो महासचिव किसको चुनना है, वो सुरक्षा परिषद ही जो है महासभा के सामने प्रस्ताव लाती है, जिससे महासचिव का चुनाव होता है। थर्ड है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और आपका चौथा है प्रन्यास परिषद। हालांकि ये अब तो लगभग लगभग समाप्त हो चुका है प्रन्यास परिषद। आइए देखिए, अभी भी मतलब कागजी कागज पे तो नाम रहता है प्रन्यास परिषद, लेकिन इसका कोई मीटिंग कुछ होता नहीं है अब तो। और इसका जो मेन काम यही था कि जो अविकसित देश की सहायता करना, जो कि जो देश विकसित नहीं हो पाए हैं, जहाँ पे बहुत सारी तकलीफें हैं, तो प्रन्यास परिषद का ये काम था कि अविकसित देशों की सहायता करके उनको अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या होता है, स्थापना इनका 3 अप्रैल 1946 में हुआ था नीदरलैंड के हेग शहर में। इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को। और यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में किसी दो देश में अगर झगड़ा होता है तो वो अपने झगड़े को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लेके जाते हैं, और जो निर्णय आता है वही इन दोनों देश को मानना पड़ता है। सचिवालय क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना कि बहुत सारे परिषद, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्य है जिसको क्रियान्वित किया जाता है, सचिवालय का यही काम है, संयुक्त राष्ट्र संघ के काम को क्रियान्वित करना। आइए देखते हैं क्या है। यूएनओ के नित्य नित्य प्रतिदिन कामों को करने हेतु सचिवालय होता है, और जिसमें 10,000 लोग काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है, यानी कि जो सचिवालय जो डे पर डे का जो काम रहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो कौन करता है, सचिवालय करती है। इसको सेक्रेटरी भी नाम से जानते हैं। और एक चीज़ और आप याद रखिए कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रथम महासचिव थे वो त्रिग्वेली जी थे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मतलब ये ऐसे सब संगठन है जो कि वर्ल्ड लेवल पे काउंट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज का वीडियो। मैं और बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।